एक मूर्ति बहुत बाहर वाली एक मूर्ति है जो कि कार्टूनिस्ट टाइप की थोड़ी मूर्ति है, उस पर बहुत विवाद हो रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि गलत है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम लोग जैसे कि और धर्म में देखो, जो जो भगवान मानते हैं उसको सही रूप का फोटो या मूर्ति का पूजा करते हैं। हमारे ही धर्म में केवल गणेश जी में, वो भी पहले नहीं होता था, हम बचपन से मूर्ति काम कर रहे हैं गणेश जी का। अब ये 5-10 साल से हम देख रहे हैं कि गणेश मूर्ति में कई प्रकार के उसके स्वरूप में बनवाते हैं, ये सब गलत है। गणेश जी को गलत गणेश बनाना चाहिए, और ये हमारा रोजी है, धंधा है, पेट का सवाल है। अब हम मना करेंगे, हम ऐसा नहीं बनाएंगे तो एक भी गणेश हम नहीं बना पाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो मूर्ति उतना कार्टून वाली नहीं है, वो बच्चा का है, उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। लोग कह रहे थे कि ना हाथ है गणेश जी का, ना पांव है, जैसे कि आप देखेंगे तो उस चीज में बहुत विवाद हो रहा है इस चीज के लिए कि बालक ने गलत। अगर सिंपल मूर्ति बनाया जाएगा तो उसमें कला दिखेगा ही नहीं जी। मूर्ति को देख के बहुत ही प्रभावित होंगे, खुश होंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई गलत नहीं है। यहाँ की जैसे मूर्ति के लिए, इसके लिए बहुत विवाद हो रहा है, आप बता दीजिए किस चीज़ पे विवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, विवाद होना चाहिए, पर कौन सा मूर्ति का विवाद हो रहा है जरा मैं जानना चाहूंगा। ये कार्टून वाली, जैसे कि बोल रहे कार्टून हुआ है मूर्ति में, जैसे इस मूर्ति को कार्टून कह रहे हैं जी। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम आनंद है और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं मूर्तिकारों के ग्राम थनौद में। थनौद जो कि कुम्हारी से पड़ेगा अप्रॉक्स 40 किलोमीटर के आसपास, और अगर आप थनौद आते हैं तो दो ही नाम आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मिलते हैं। पहला नाम तो यार सबको पता है, राधेश्याम मूर्तिकार जो है, राधेश्याम चक्रधारी, और दूसरा नाम जो कहेंगे हम मूर्ति के लिए फेमस है वो है बालम चक्रधारी के। तो हम बालम चक्रधारी जी के यहाँ आज आए हैं, आपको मूर्तियाँ दिखाएंगे, और एक मूर्ति पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था यार कार्टून वाली मूर्ति के लिए, जो कि लोग कह रहे थे कि यार गलत है, कमेंट भी कर रहे थे यूट्यूब पर कि गलत है, नहीं बनाना चाहिए ऐसी मूर्ति। पर हम राधे क्या बोलते हैं बालम चक्रधारी जी से हमने पूछा तो वो कहे कि यार अब हम मतलब रोजी का सवाल है यार, मतलब जो हमको ऑर्डर देते हैं हम उसी पे करते हैं। तो हम लोग अंदर बढ़ते हैं यार, अंदर की ओर चलते हैं, दिखाते हैं आपको बालम चक्रधारी जी की मूर्तियाँ। और जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर काम चल रहा है पूरे एकदम जोरों शोरों से, क्योंकि सिर्फ यार एक दिन का समय और बचा है, और एक दिन के समय के बाद का मतलब कार्यक्रम है ये, सिर्फ एक दिन का समय और है। और इस ही मूर्ति, ये विशाल मूर्ति पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा था, एकदम मतलब कार्टून वाली मूर्ति, जैसा कि बताया मैं आप लोगों को कि ये कार्टून वाली मूर्ति को कहा गया था कि नष्ट कर दो, तोड़ दो, ये मूर्ति को कहा गया था। पर अब ये मूर्ति हमको कंप्लीट हुई दिख रही है, एकदम मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है, हम कोई बात नहीं, नहीं तोड़ा गया बालम जी के द्वारा, तो हम क्या कह सकते हैं, डिसमेंटल भी नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको बालम चक्रधारी जी की और मूर्तियाँ, मतलब मूर्तियों के मामले में यार बहुत फेमस है, देखिए इनकी भी डिटेलिंग बहुत प्यारी है, डिटेलिंग देख लीजिए, ये मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है, 100% बन चुकी है, पन्नी में ये भी सजा के एकदम 100% कंप्लीटली रखा गया है, देख सकते हैं एकदम डिटेलिंग अगर देखा जाए, बोले जाएंगे प्यारा सा डिटेलिंग दिया गया है। बाकी हम और दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को बालम चक्रधारी जी की मूर्ति। तो ये देखिए, ये भाई साहब, ओ भाई भाई, ये क्या है यार, कितनी डिटेल्ड है भाई, कसम से ये ज्वेलरी जो भगवान जी की बनाई गई है, जो मतलब मुखौटा बनाया गया है, मुखौटा बोलूँगा क्या बोलूँगा उसको, मुकुट जो बनाया गया है वो इतना प्यारा, एकदम रियल टाइप का लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये भी एकदम रियल टाइप का लग रहा है, एकदम प्यारा भाई। ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये डिटेलिंग देखो कितनी प्यारी है यार, कसम से ऐसी डिटेलिंग मैंने पहली बार लाइफ में देखा यार, कसम से पहली बार लाइफ में इतनी डिटेलिंग देखेगी। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वो वाली जो बड़ी वाली मूर्ति थी, बड़ी वाली मूर्ति जो आपको दिखा, जो गणेश परिवार जो बनाया गया है वो दिखाता हूँ एक बार, जो कि आपको पिछले वाली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये रहा वो गणेश परिवार, इसमें आप देखेंगे तो गणेश परिवार पूरा है, और यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा एकदम पास से कि खतरनाक टाइप से मूर्ति बन चुकी है, पूरी रेडी हो चुकी है ये मूर्ति। और ये देखो भाई साहब, खतरनाक टाइप से यार बालम चक्रधारी जी की भी मूर्तियाँ में नो डाउट बोलेंगे कि बहुत प्यारी मूर्ति बनाते हैं। और मतलब बाकी सब तो ठीक है, ये सब तो मैं मानता हूँ भाई, मैं पर्सनली अगर बोलूँगा, अगर आप आना चाहें तो आप आइए, मूर्तियाँ बनवाइए, बहुत प्यारी रहती है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मतलब पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, जनवरी में ऑर्डर दें तब जाके कहीं बन पाएगा, गणेश चतुर्थी तक, सितंबर तक। जैसे कि आप देखेंगे तो भैया पेंट कर रहे हैं, पेंटिंग ऐसे हुआ जाता है हम गणेश जी का, और खतरनाक टाइप से देखते हैं भाई, खतरनाक टाइप से देखो पेंटिंग हो रही है, और ये देखो भैया आप जा रहे हैं, ऐसे टाइप से पेंटिंग होती है यहाँ पे, मतलब मशीन लगा रहता है पूरा, मशीन से अगर आपको दिखाए तो मशीन से पूरा ऐसे पेंटिंग होती है। और क्लोज से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यार ये देखो ऐसे पेंटिंग होती है, कहाँ बालम चक्रधारी जी के यहाँ।
और बाकी यार जैसे कि मैं बताया कि ये नो डाउट कि प्यारा बहुत रहता है, मूर्तियाँ बनती तो बहुत प्यारी हैं। और आगे बढ़ते हैं और दिखाने की कोशिश, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मूर्तियाँ दिखाने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ। और जो मतलब वो बोलेंगे आभूषण बोलेंगे, जी हाँ आभूषण जो रहेंगे गणेश जी के, वो देख सकते हैं इतने डिटेलिंग पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि रियल है, रियल एकदम डिटेलिंग पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली क्या बोला जाता है, बट ये वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो इतना प्यारा बनाया जाता है। मैं किसी चीज़ को नहीं छूँगा, दूर से ही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि छूने से बर्बाद हो सकता है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए दूर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए हाथ में मतलब गणेश जी लड्डू पकड़े हुए हैं, मोदक पकड़े हुए हैं, जो कि इनको गणेश जी को बहुत पसंद रहता है मोदक, तो मोदक पकड़े हुए हैं। और ये था भाई, अपन आए थे बालम चक्रधारी जी के यहाँ मूर्तियाँ दिखाने, तो ये ऐसे टाइप की मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं। मतलब मूर्तियाँ क्या कर ले बोले, मूर्तियों के लिए बहुत अच्छी जगह है, बट मतलब वो वाली जो मूर्तियाँ जो आगे वाली कार्टूनिश वाली मूर्तियाँ, उस पर लोग बहुत विवाद कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि गलत किया गया है बालम चक्रधारी जी की तरफ से कि ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई है और कार्टून टाइप की मूर्तियाँ क्यों बनाई गई है, तो उस लिए थोड़ा सा विवाद टाइप का चल रहा था। हम आगे जाते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, एक बार बात भी कर लेते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है, एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की और किसी से देखते हैं किसी से। भैया कहाँ से हैं आप? दुर्गे से। दुर्ग से हैं आप, मतलब मूर्ति यहाँ पे आपका है क्या, इधर साइड का? हाँ ना, हाँ ना, मूर्ति है। अच्छा, आप लोग कब से बनवा रहे हैं मूर्तियाँ? ये पहला साल है हम लोगों का। अच्छा, पहला है। अच्छा, यहाँ पे एक मूर्ति के लिए बहुत विवाद हो रहा है, जैसे कि आप मेरे पीछे जस्ट वाला मूर्ति देख सकते हैं कि कार्टून वाली मूर्ति है, जैसे कि इस बार मना किया गया था कि कार्टून वाली मूर्तियाँ नहीं बनवाना है, बाहुबली वाली मूर्तियाँ नहीं बनाना है, तो आपके हिसाब से क्या है, ये सही चीज़ है या गलत है? वैसे तो देखा जाए तो मूर्ति उतना कार्टून वाली नहीं है, वो बच्चा का है, उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। लोग कह रहे थे कि ना हाथ है गणेश जी का ना पांव है, जैसे कि आप देखेंगे तो उस चीज़ में बहुत विवाद हो रहा है इस चीज़ के लिए कि बालम जी की गलत। अगर सिंपल मूर्ति बनाया जाएगा तो उसमें कला दिखेगा ही नहीं जी। सिंपल मूर्ति बनाया जाएगा तो उसमें कला दिखेगा ही नहीं जी। उसमें कला का एक वो है, उसमें पैर उसका मतलब ऐसा टाइप का है। अच्छा, मतलब ठीक है, नॉर्मल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, विवाद नहीं करना चाहिए इस चीज़ की। कि ऐसा तो नहीं है कि बाइक चला रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है भैया, से हमने बात किया और देखा कि भैया कह रहे हैं नॉर्मल है, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया से पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से? मैं बालोद से हूँ। बालोद से हैं। अच्छा, एक सवाल पूछना था, फ्री है? जी जी बताइए। एक मूर्ति के लिए बहुत विवाद हो रहा है यहाँ के बालम जी की, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो वाली कार्टून वाली मूर्ति के लिए बहुत विवाद हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि गलत किया है कार्टून वाली मूर्ति, जैसे कि इस बार मना किया गया था बनाने के लिए, बाहुबली वाली मूर्ति बनाने के लिए मना किया गया था, तो आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखो सबका अपना अपना श्रद्धा है भैया, मेरे हिसाब से है ना, जैसे बच्चे इस मूर्ति को देख के बहुत ही प्रभावित होंगे, खुश होंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई गलत नहीं है, सबका अपना अपना श्रद्धा है, अपनी भावना है ना, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई कार्टून ही लग रहा है। एक बच्चा जो है, जैसे छोटा छोटा मूर्ति जो मार्केट में मिलता है गणेश जी का है ना, वैसा पकड़ के बैठे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। ये गलत नहीं है ना, जैसे कि मैंने बोल रहे थे लोग कि गणेश जी का ना हाथ है ना पांव है, ये गलत किया गया, ऐसा मतलब भगवान का अपमान है ये हाथ पैर नहीं होना भगवान का, ऐसा तो इसलिए बहुत लोगों का कमेंट था, तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, तो आपके मतलब हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं? सही है जी। जैसे कि हमने बात किया भैया से, भी आगे हम बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि कैसा लग रहा है, मतलब जैसे कि अभी तक दो जन से मैंने बात किया, दोनों ने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ऐसा चलता है, मतलब अलग अलग टाइप से, अलग अलग रूप से, अलग अलग मॉडल से बनाया जा रहा है गणेश जी की ये मूर्तियाँ, तो ये एक बच्चों के लिए प्रभावित मूर्ति है, जैसा कि भैया ने कहा। हम और लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया बालम जी के आए हैं, तो यहाँ के एक मूर्तिकार से पूछते हैं कि ये क्या है। भैया सबसे पहले तो जय जोहार। जय जोहार भैया, जय श्री राम। और यहाँ की जैसे मूर्ति के लिए, इसके लिए बहुत विवाद हो रहा है, आप बता दीजिए किस चीज़ पे से विवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, विवाद होना चाहिए, पर कौन सा मूर्ति क्या विवाद हो रहा है जरा मैं जानना चाहूँगा। ये कार्टून वाली, जैसे कि बोल रहे कार्टून हुआ है मूर्ति में, जैसे इस मूर्ति को कार्टून कह रहे हैं जी, मैं उन सभी को समझा देना चाहूँगा कि ये कार्टून नहीं है जी। इसकी थीम, हर एक चीज़ की एक थीम होती है, और इसकी थीम मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चा है, मंदिर पे रखी हुई मूर्ति है जी। उस बच्चे ने भगवान को पकड़ना चाहा, लेकिन उस मंदिर से अपन उस मूर्ति को उठा नहीं सकते जी। है ना, माँ के प्रति बच्चा का एक मोह रहता है, और बच्चे का प्रति माँ का मोह रहता है, तो वो बच्चा किसी तरह उस अपने बच्चे को
शांत करने के लिए एक खिलौना देती है एक गणेश के रूप में कि बच्चे इसको पकड़ो, और उस बच्चे को पकड़ती है। जब वो बच्चा उस खिलौने को देखता है तो हाँ वो संतुष्ट हो जाता है, बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होता है, और वो उस खिलौने को पाकर संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मेरे को भगवान मिल गया। तो इस सीन में ये दर्शाया जा रहा है कि भगवान के प्रति एक बच्चे का आस्था कैसा है, एक इंसानियत कैसा होना चाहिए, एक हिंदुत्व कैसा होना चाहिए, हिंदू बच्चे का आस्था कैसा होना चाहिए, इसको इस मूर्ति पे दर्शाया जा रहा है। तो मतलब ये आप मतलब गलत नहीं है, ये कार्टून वाली मूर्ति नहीं, ये बस एक बच्चा है जो कि ये कार्टून जो सोच रहे हैं गलत है, नकारात्मक दृष्टि सोच है। और ये लोग हैं कुछ जलनखोर भी लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब इसकी मूर्ति अच्छी बन गई है, हमारी अच्छी नहीं बन पाई, तो कुछ ऐसा कमेंट कर पाते हैं, पर एक ऐसा कुछ है ही नहीं है, या कि हम कुछ भगवान का कोई इसको मतलब जलील कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा भैया। और जैसा कि भैया से हमने बात किया, मूर्तिकार भैया से हमने बात किया, और भैया का ये था जवाब, जो लोग कह रहे थे कि ये कार्टून वाली मूर्ति है ये है, तो भैया ने क्लियर समझा दिया, क्लियर एकदम कर दिया कि यार ये कार्टून वाली मूर्ति नहीं है, बच्चा है जो कि भगवान की एक मतलब टॉय खिलौना वो पकड़ के ऐसा पकड़ा हुआ है भगवान से। तो ये था भैया से बात किया गया हमने। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अब हम आए हैं और भैया से बात करते हैं। भैया जैसे कि आप हमारी वीडियो देख के आए हैं आप? हाँ जी, भी आपकी वीडियो देखा मैंने। हम लोग भी यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल हो गए हम भी ये मूर्ति लेते हैं यहाँ पे, हमारे जस्ट सामने पे लिख लिया है। तो आपके आपने सही क्वेश्चन किया था भैया से, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल होता है ना कि ऐसा होना चाहिए। आपने वो वीडियो मेरे दिल को छुआ कि हाँ कोई है बोलने वाला यहाँ पे की करके समझने वाला, तो उसको देखा मैं। क्या है कि लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि ये चीज गलत है, कार्टून वाली मूर्ति बनाई गई है, तो आपके हिसाब से क्या सही है? या देखो अब क्या भक्ति भाव जिसको है वो थीम के हिसाब से भैया लोग का काम ही यही है, पेट का सवाल है यहाँ पे। अगर भैया लोग नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, ये बात बताओ। और थीम के ऊपर रहता है सब, अब भैया लोग का काम ही यही है, और कहाँ कर सकते अपना। तो ये भैया लोग की तरफ से उनके तरफ से सही है भैया। और हमने इसीलिए आज मूर्तिकार भैया से खुद बात किया, कंफर्म किया, लोग जो गलत सोच रहे थे क्या है कि क्लियरिटी रहनी चाहिए हर चीज में, हर तरफ से होनी चाहिए, कहीं इंसान के दिमाग में नहीं बैठना चाहिए कि ये गलत है ये सही है करके। क्या है कि ये नाम भी खराब होता है इससे, नाम पहले बहुत खराब होता है इसमें, क्योंकि बालम जी का नाम बहुत फेमस है, बहुत पूरे छत्तीसगढ़ बार बार पूरी जगह जाता है। हनौद में अगर नाम लिया जाए तो एक नाम है राधेश्याम जी का और दूसरा बालम का है। जैसे कि हमने बात किया भैया, अभी आपसे बात करके बात, आपका नाम क्या है? मेरा ऐश्वर्य शर्मा। भैया से बात किया हमने, बहुत अच्छा लगा। ऐसा था लोगों का सवाल, ऐसा था लोगों का प्रश्न, ऐसा था लोगों का उत्तर। लोगों से बात किया, लोगों के मन में अब क्लियर हो गया है, लोग जो सोच रहे थे गलत सोच रहे थे, ये थीम बेस्ड है, ऐसा कोई नहीं है कि कार्टूनिश है, इसीलिए हमने क्लियर कर लिया। भाई उतना दूर से हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ये वाली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो। हम ऐसे ही घूमते रहते हैं छत्तीसगढ़ में, एक्सप्लोर करते रहते हैं, रायपुर बिलाई अपना तो काम ही है घूमना। तो ठीक है, जय जोहार।